हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आपके सामने अपने एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आज कवर करेंगे इलेक्ट्रोकॉटरी, या जिसे हम डायथर्मी भी कहते हैं। तो यदि आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये इलेक्ट्रोकॉटरी होती क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रोकॉटरी या डायथर्मी को। तो इलेक्ट्रोकॉटरी या सर्जिकल डायथर्मी एक ऐसी मशीन है जो हमें फास्ट, इजी और एक्यूरेट हीमोस्टेसिस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब समझे कि हीमोस्टेसिस होती क्या है। हीमोस्टेसिस का मतलब है ब्लड का थक्का जमना। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हमें जो है इलेक्ट्रोकॉटरी या डायथर्मी ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान। चलिए तो अब समझते हैं कि जी डायथर्मी में जो होता है, एक होता है आपका फुट पैडल, जिससे कि हम डायथर्मी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। देन दूसरा होता है आपका लाइव इलेक्ट्रोड, जिसके द्वारा हम फील्ड में हीमोस्टेसिस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि सर्जन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है जी, तो आगे चलेंगे टाइप्स। तो टाइप्स की बात करेंगे तो डायथर्मी के टाइप्स को, यहाँ डायथर्मी को हम टू कैटेगरी में यहाँ कैटेगराइज करें। फर्स्ट जो रहेगी वो यूनिपोलर या मोनोपोलर, देन सेकेंड जो रहेगी बायपोलर। तो चलिए समझते हैं आगे। तो देखिए अब हम समझेंगे कि यूनिपोलर क्या है और बाइपोलर क्या है। तो यूनिपोलर जो है, इसमें क्या होता है, इस तरह की जो कॉटरी या डायथर्मी मशीन होती है, ये हमें कॉगुलेशन और कटिंग दोनों की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जबकि बाइपोलर में केवल और केवल हमें कॉगुलेशन की फैसिलिटी जो है अवेलेबल होती है। देन इसके बाद अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइव इलेक्ट्रोड, पेशेंट प्लेट और फुट पैडल। देन इसके बाद अगर हम बाइपोलर में के कंपोनेंट्स की बात करें तो बाइपोलर में केवल जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइव इलेक्ट्रोड और फुट स्विच, इसमें पेशेंट प्लेट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा डायथर्मी मशीन। अब समझेंगे यहाँ पर, देखिए मैंने जो स्लाइड पर है वो डायथर्मी जो मशीन दिख रही है आपको, वो कंबाइंड है यूनिपोलर और बाइपोलर। तो मैंने ए सेक्शन में आपको देखो यूनिपोलर को जो है इंडिकेट किया है, देन बी सेक्शन में आपको बाइपोलर जो है कॉटरी को इंडिकेट किया है। तो सबसे पहले इसके जो है स्विचेस या पार्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले नंबर एक पर है आपका जो है यूनिपोलर कंट्रोल पैनल। यूनिपोलर कंट्रोल पैनल से मतलब है जिससे हम जो यूनिपोलर या बाइपोलर का जो पैनल है उससे हम यूनिपोलर या मोनोपोलर मशीन की जो है पावर है उसे घटा या बढ़ा सकते हैं। देन इसके अलावा नंबर टू पर जो है वो स्विच ऑफ और ऑन स्विच है, स्विच ऑन और ऑफ बटन है। देन नंबर तीन पर जो है पेशेंट प्लेट आउटपुट है। इसमें क्या होता है, पेशेंट प्लेट आपकी कनेक्ट होती है और पेशेंट प्लेट जो टच पेशेंट के टच में रहती है। देन इसके बाद नंबर चार पर जो रहेगा वो रहेगा यूनिपोलर हैंड स्विच आउटपुट। यूनिपोलर हैंड स्विच आउटपुट से मतलब है थ्री पिन प्लग, जिसमें कि उसी हैंडल पर आपको जो है वर्किंग स्विच भी मिलते हैं, जिसमें कि जिनका यूज करके हम पैडल के वर्क को स्किप कर सकते हैं। देन इसके अलावा नंबर पाँच पर जो रहेगा वह एक्टिव यूनिपोलर आउटपुट। एक्टिव यूनिपोलर आउटपुट से मतलब यहाँ पर सिंगल लीड वाला जो है जो इलेक्ट्रोड होता है वो जो कहलाता है आपका एक्टिव यूनिपोलर आउटपुट, यहाँ पर उसका ये आउटपुट रहेगा। देन इसके बाद जो रहेगा नंबर छः पर है वो बाइपोलर कंट्रोल पैनल। बाइपोलर कंट्रोल पैनल से यहाँ पर हम बाइपोलर मशीन के पावर को घटा या बढ़ा सकते हैं। देन इसके अलावा बाइपोलर आउटपुट से मतलब है यहाँ पर जो बाइपोलर फोर्सेप है वो यहाँ पर कनेक्ट होगी डायथर्मी मशीन के साथ। तो देन नेक्स्ट जो रहेगा वो अब समझेंगे हम यहाँ पर यूनिपोलर मशीन को। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूनिपोलर या मोनोपोलर मशीन आपको कटिंग और कॉगुलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है दूसरी चीज़ अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, जैसा मैंने पहले बताया कि लाइव इलेक्ट्रोड रहेगा, देन जिसे हम डायथर्मी टिप भी कहते हैं। देन इसके अलावा कॉटरी प्लेट या इनडिफरेंट इलेक्ट्रोड जिसे कहते हैं, या पेशेंट प्लेट भी कहते हैं। देन फुट स्विच। देन नेक्स्ट स्लाइड जो रहेगी वो रहेगी हमारी लाइव इलेक्ट्रोड या डायथर्मी टिप। देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो है दोनों तरह की टिप या दोनों तरह के इलेक्ट्रोड भी दिखाया, वन पिन इलेक्ट्रोड भी दिखाया, देन थ्री पिन इलेक्ट्रोड भी दिखाया है। तो अब ये होता क्या है ये जरा समझेंगे हम। तो ये होता क्या है,
द मशीन प्रोवाइड हाई फ्रीक्वेंसी करंट थ्रू दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है जी, दूसरा क्या रहेगा कि इस इलेक्ट्रोड का प्रयोग जो है सर्जरी के दौरान या सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान सर्जन के द्वारा किया जाता है। अब समझेंगे, जब देखिए दोनों साइड जो ब्लू कलर की जो है कॉर्ड है या ब्लू कलर की जो इलेक्ट्रोड है वो थ्री पिन इलेक्ट्रोड है, देन उसके बगल में जो आपको ग्रे कलर की जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है वो है हमारा वन पिन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम समझेंगे थ्री पिन को। तो थ्री पिन में कॉर्ड होती है, एक कॉर्ड, देन जो नेक्स्ट रहेगा वो थ्री पिन रहेंगी, थ्री पिन, देन जो इसकी टिप है उसे हम ब्लेड बोलते हैं, देन इसके अलावा कटिंग बटन और कोगुलेशन बटन। अगर हम थ्री पिन का यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर पैडल का यूज नहीं करना पड़ेगा। और एक और चीज आपको बता दें कि जो ब्लू कलर का जो कलर है, चाहे वो फुट पैडल पे हो या आपके हैंड स्विच पर हो, वो आपका इंडिकेट करता है कोगुलेशन को। और जो येलो कलर का जो बटन है या येलो कलर का जो पैडल होता है वो इंडिकेट करता है हमारे कटिंग फैसिलिटी को। तो देन इसके बाद जो है वो हैंडल रहेगा जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं। देन अगर हम वन पिन कॉर्ड की बात करें तो इसमें जो है तीन पार्ट होते हैं इसके, ब्लेड जहाँ से हम कटिंग या कोगुलेशन करंट प्रोवाइड होता है, देन इसके अलावा हैंडल और वन पिन प्लग, देन जो है वो कॉर्ड रहेगी। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो रहेगी वो रहेगी हमारी पेशेंट प्लेट। अब ये पेशेंट प्लेट होती क्या है? पेशेंट प्लेट एक लॉन्ग कॉर्ड के द्वारा मशीन से कनेक्ट होती है और उसका डिस्टल एंड जो है वो पेशेंट के टच में रहता है। ठीक है जी, और इसको प्रॉपरली लुब्रिकेट मीन्स जैलोगन जेली लगा के पेशेंट के टच में रखते हैं। चाहे वो आप टच में कहाँ कहाँ रख सकते हैं, टच में रख सकते हैं, जनरली हम कहाँ रखते हैं इसको, ग्लूटल मसल्स या इसके अलावा थाई या इसके अलावा काफ मसल्स। ठीक है जी, तो अगर हमारी कॉटरी मशीन प्रॉपरली कभी कभी काम नहीं करती है तो उसका कारण एक ये भी होता है कि हमारी जो है पेशेंट प्लेट वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होती है। देन और एक और चीज़ बताना मैं चाहूँगा यहाँ पर कि जो कॉट पेशेंट प्लेट है वो केवल और केवल आपके यूनिपोलर या मोनोपोलर मशीन में यूज होती है। ठीक है जी, देन नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिपोलर में ही कंपोनेंट्स है उसका फुट पैडल। देखिए फुट पैडल के द्वारा हम क्या करते हैं, फुट पैडल के द्वारा हम कटिंग और कोगुलेशन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं डाइथर्मी के, जिसमें कि आपका मैंने पहले ही बताया था कि जो येलो कलर का पैडल है वो आपका इंडिकेट करेगा कटिंग को, देन ब्लू कलर का जो पैडल है वो इंडिकेट करेगा आपके कोगुलेशन को, देन इसके अलावा जो दूसरा एंड है इसका पैडल का वो कनेक्ट होता है आपकी मशीन में। तो ये होगा हमारा पैडल। देन इसके बाद हम बाइपोलर की बात करते हैं। तो बाइपोलर मशीन डायथर्मी मशीन का जो है डायथर्मी मशीन वो मशीन है जो कि केवल और केवल हमें कोगुलेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें आपकी पेशेंट प्लेट नहीं होती है। कारण क्या है कि दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो आपके फोर्सेप पर ही पाए जाते हैं। देन अब फोर्सेप की टिप पर पाए जाते हैं। देन अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो कंपोनेंट्स इसमें दो रहेंगे, लाइव इलेक्ट्रोड या डायथर्मी टिप, जिसे हम कहते हैं बाइपोलर फोर्सेप, देन इसके अलावा फुट स्विच। देन नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर शो हो रही है वो हो रही है हमारी जो है लाइव इलेक्ट्रोड या बाइपोलर फोर्सेप। अब इसमें देखिए मैं इसको पार्ट्स को आपको बताना चाहूंगा। जो बाइपोलर फोर्सेप जिसमें येलो कलर का जो ग्रिपिंग हो रही है वो बाइपोलर फोर्सेप है। देन इसके अलावा जो पॉइंट्स हैं वो आपके सर्जिकल फील्ड में यूज होते हैं। देन इसके अलावा जो कार्ड है वो ब्लू कलर की है। देन इसमें जो पिन रहेंगी वो दो रहेंगी। ठीक है जी, और मैंने पहले ही बताया था कि बाइपोलर मशीन में आपकी प्लेट यूज नहीं होती है क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रोड उसके जो अवेलेबल रहते हैं उसके फोर्सेप के पॉइंट पर रहते हैं। देन इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर फुट स्विच की। तो फुट स्विच जो है इसमें क्या क्या होता है, बाइपोलर मशीन के जो है कोगुलेशन फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो जो ब्लू पैडल है वो कोगुलेशन को यहाँ पर प्रदर्शित करता है, देन उसका दूसरा एंड है वो मशीन में कनेक्ट होगा। तो ये हो गई हमारी बाइपोलर मशीन। अब हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि भाई
कौन कौन से पॉइंट्स को हम ध्यान रखें जिसके जिससे कि हमारी डायथर्मी की परफॉर्मेंस बेटर हो सके। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेगुलर चेकअप। रेगुलर चेकअप किस किस चीज़ का करेंगे, रेगुलर चेकअप प्लेट का करेंगे, रेगुलर चेकअप कॉर्ड का करेंगे और उसके इलेक्ट्रोड्स का करेंगे। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कहीं से आपकी जो कॉर्ड है वो किंक नहीं करनी, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, शार्प बैंड नहीं होना चाहिए। देन इसके अलावा जो नेक्स्ट जो रहेगा वो रहेगा हमारा कि इलेक्ट्रोड को हमेशा हमें स्टराइल करना चाहिए, वो इथाइल ऑक्साइड या फॉर्मेलिन वेपराइजर से यूज़ करना चाहिए। इसमें हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट का यूज़ नहीं करेंगे, उससे शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके अलावा केमिकल स्टराइलाइजेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया, केमिकल स्टराइलाइजेशन पूरी तरह से इसमें जो है वो बैन रहेगा, आप नहीं अलाउ करेंगे। दूसरी, आजकल क्या होता है, आजकल जो है कुछ ऐसे कॉर्ड आने लगी जिन्हें हम स्टराइल जो है स्टराइल करते हैं बाय ऑटोक्लेव। देन इसके अलावा हमें फूड स्विच को प्रोटेक्ट करना है अपने पानी में भीगने से। तो ये रहा हमारा, ये हुआ हमारा जो है डायथर्मी या कॉटरी मशीन।